बड़ी खबर इस वक्त की, पीएम पालम एयरपोर्ट पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। पूरा देश इस वक्त नम आंखों से श्रद्धांजलि देने के लिए आतुर है उन शहीदों को जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है इस देश के लिए। शहीदों के पार्थिव शरीर को विमान से लाया जाएगा और दिल्ली से उनके घर भेजा जाएगा। इन जवानों को सीधे लिए चलते हैं आपको शुजाउल हक। इस वक्त हमारे साथ 6 से 7 जवानों के क्षत विक्षत शव। रूह कांप जाती है ये सोचकर कि वहां पर बीते दिन क्या हुआ है शुजा। रूह कांप जाती है सोचकर जब गाड़ी की ये हालत हुई तो मानव शरीर का क्या हाल हुआ। सर्वोच्च बलिदान दिया अपनी जिंदगियों का इन शहीदों ने। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाइए, वहां से बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिर क्या हुआ, किन हालात में हुआ। जी बिल्कुल, इस वक्त जो जहां पर हम खड़े हैं यही कुछ ही मीटर दूरी पर वो स्पॉट है जहां कल वो ब्लास्ट हुआ था। और इन तस्वीरों को देख के साफ जाहिर होता है कि उस वक्त किस तरीके का डरावना माहौल यहां पे रहा होगा। गाड़ी के की हालात जो देखते हैं इस वक्त, उससे साफ जाहिर होता है कि उन जवानों के साथ क्या हुआ होगा। मैं आपको ये भी बता दूँ कि आसपास के लोग जो है, आसपास के घर जो है, उनके शीशे टूटे हुए हैं। हम लोग अभी कुछ करीब 1-2 किलोमीटर तक लोगों से बात करते हुए गए और देखा कि अंदर तक गांवों में लोगों के घरों के शीशे टूटे हुए हैं। तो उससे भी साफ जाहिर यही होता है कि किस तरीके का ये धमाका हुआ था और किस तीव्रता से ये जो पूरा का पूरा धमाका यहां हुआ था। मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से ही लगातार इस जगह पे फॉरेंसिक्स की टीम्स आ रही हैं, एक्सपर्ट्स की टीम्स बुलाई जा रही हैं जो यहां पे अपने सैंपल्स जो उठा रहे हैं और लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पोस्ट ब्लास्ट एनालिसिस जो टर्म है वो इस्तेमाल की है जम्मू कश्मीर पुलिस ने, और कह रहे हैं कि लगातार इस चीज का पता लगाया जा रहा है कि कौन सा मटेरियल इस ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया था, किस तरीके से ये पूरा का पूरा हमला किया गया, कौन लोग शामिल थे, कौन मास्टरमाइंड्स थे, ये सब चीजें। आप उसी सड़क पर मौजूद है, पीछे की तस्वीरें दिखाते रहिए, पीछे की तस्वीर दिखाते रहिए। मैं वापस आप ही का रुख करूंगी क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर पुलवामा में इस वक्त मौजूद है। इस वक्त भी सरगर्मी वहां दिखाई दे रही है, लेकिन जब इस हमले को लेकर दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सोहेल महमूद से हमले को लेकर सवाल पूछा गया, बिना जवाब दिए कैसे जा रहे हैं, एक बार देखिए जरा। हो जाओ यार, तुमको बोला था मैंने यार, तो अब क्या करोगे यार। पाकिस्तान के उच्चायुक्त की गाड़ी थी सोहेल महमूद। हो जाओ यार, सुनिए, तुमको बोला था मैंने यार। गाड़ी ऐसे सर्राटे से भगा कर ले जा रहे हैं, जवाब देने को तैयार नहीं है। तस्वीर हमने आपको दिखाई, पाकिस्तान के उच्चायुक्त हैं ये सोहेल महमूद जिनकी गाड़ी जा रही थी। सहयोगी हमारी वहां पर सवाल पूछने की कोशिश कर रही थी लेकिन जवाब देने को पाकिस्तान के उच्चायुक्त तैयार नहीं है। किस मुंह से जवाब भी देंगे क्योंकि आतंक का ये पूरा खेल जो रचा जा रहा है पाकिस्तान की सरजमी से वो दिख रहा है। एक बार फिर से चाहेंगे कि फुल स्क्रीन हम शुजा के पास चले और शुजा एक बार फिर से, अगर क्योंकि आप उस सड़क पर इस वक्त मौजूद है, अगर ग्राउंड जीरो से हमें बताएं कि ये काफिला किस तरफ से गुजर रहा था, कैसे इस शख्स ने पहले ही वहां पर आदिल अहमद डार ने पार्क की हुई थी लगभग 200-300 किलो आईईडी के साथ, पूरा घटनाक्रम अगर ग्राउंड जीरो से आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी बिल्कुल, कल दोपहर में ये जो कॉन्वॉय है जम्मू से श्रीनगर की तरफ आ रही थी, ये जो जगह यहाँ पे है अवंतीपुरा का लेथपुरा इलाका है, यहाँ पे एक थोड़ी सी ढलान है जहाँ ये कॉन्वॉय जब पहुँची जिसमें करीब 2500 जवान शामिल थे। इन तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अगर हमारे कैमरामैन जूम इन करने की कोशिश करें तो आपको वो जो पीछे उस गाड़ी के जो बचा कुचा सामान है वो दिख रहा होगा। ये इस मोड़ पे पहुंचते ही जो वो गाड़ी थी, जो वो सीआरपीएफ की बस थी, उसके साथ जो हमलावर है वो एक गाड़ी में था, उसके पीछे से चल रहा था और उसी बस के साथ टकराया, तभी एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और धमाके की तीव्रता इतनी थी कि कई किलोमीटर तक जो लोग हैं वो डरे सहमे हुए हैं अब भी, और उनके घरों के शीशे भी टूटे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो माहौल जो बना उसका अगर बयान भी लोगों से सुने यहाँ पे तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं।
बताया जा रहा है कि कुछ किलोमीटर तक इस गाड़ी के जो 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 सामान है वो अब भी जो एक्सपर्ट्स हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, अभी भी उनको जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि NIA की टीम्स यहाँ पहुँचने वाली हैं, उनके साथ भी जो स्पेशल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो साथ में हैं उनके, और उनका ही इंतज़ार हो रहा है कि वो यहाँ पहुँचे, इन चीज़ों का यहाँ पर विश्लेषण करें और उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू हो। लेकिन कुल मिला के जो बात की जाए इस हमले के बारे में, कुछ चीज़ें बिल्कुल साफ हैं कि ये बहुत पहले से ही प्लान किया हुआ हमला था। जिस तरीके का एक्सप्लोसिव इसमें इस्तेमाल किया गया, जिस क्वांटिटी में वो एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया, जी वहां पर टीमें भी पहुंचने वाली हैं जो वहां से तमाम सबूत इकट्ठा करेंगी। ISL के FSL की टीम भी जा रही है। लेकिन लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।